है HRs एंड रिक्रूटर्स, अगर आप रिक्रूटमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और Naukri.com कैसे यूज करना है ये सिंपल एंड इजी स्टेप्स में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑल्दो इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बट वो मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो था तो काफी टॉपिक मुझसे मिस हो गए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम Naukri.com के हर फिल्टर एंड हर टूल को डिटेल एंड इजी वे में समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम Naukri.com के होम पेज पे हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेस, यहाँ पे हम किसी भी ओपनिंग की जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप अगर वो देखना चाहते हैं तो अगेन आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टैब जो कि है रेजडेक्स, एंड यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा सर्च रेज्यूम में मैनेज सर्चेस फोल्डर्स एंड मेल एंड ईमेल टेम्पलेट्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सर्च रेज्यूम। सर्च रेज्यूमे के थ्रू ही हम कैंडिडेट के प्रोफाइल को सर्च करते हैं। सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम रेजडेक्स के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे टूल्स एंड फिल्टर्स शो हो रहे हैं। सो बेसिकली रेजडेक्स पे लाखों कैंडिडेट के प्रोफाइल अवेलेबल है एंड हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स एंड कीवर्ड्स का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल को ढूंढते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कीवर्ड क्या होता है, तो बेसिकली कीवर्ड जो होते हैं वो की स्किल्स होते हैं। किसी भी जॉब में जो इम्पोर्टेंट स्किल्स होते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो एक HR और रिक्रूटर के लिए की स्किल्स हो सकते हैं रिक्रूटमेंट, IT रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, इसके अलावा बल्क हायरिंग, नॉन IT रिक्रूटमेंट। तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इसी को हम की स्किल्स कहते हैं। तो इन्हीं की स्किल्स के थ्रू रेजडेक्स रेलेवेंट प्रोफाइल्स को हमें शो करता है। तो अगर हम रेजडेक्स पे देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर शो कर रहे हैं, बट अगर हम किसी प्रोफाइल को ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इजी स्टेप में समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। इजी वे में अगर हमें किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रोफाइल निकालना हो तो हमारे लिए चार फिल्टर्स इनफ है। पहला हो गया हमारा कीवर्ड, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, तीसरा हो गया लोकेशन एंड चौथा लास्ट हो गया एक्टिव इन। इन्हीं चारों फिल्टर्स का यूज करके हम किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट प्रोफाइल्स ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आता है कीवर्ड। कीवर्ड में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको की स्किल्स मेंशन करना है। तो सपोज करते हैं अगर आप फाइनेंस रोल के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा आपको देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है। हम ले लेते हैं फाइनेंस एनालिस्ट, उसके अलावा हम ले लेते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, उसके अलावा हम ले लेते हैं टैक्स अकाउंटेंट, इसके बाद हम कॉस्ट ऑडिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कीवर्ड सर्च। यहाँ पे हम बेसिकली की स्किल्स डालेंगे एंड देन सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार का ऑप्शन दिख रहा है हर की स्किल्स के आगे। तो स्टार का मतलब ये हुआ कि जिसके आगे भी स्टार डालोगे वो ये मैंडेटरी कर देता है कि वो स्किल्स होगा ही होगा रिज्यूमे में उसके। उसके अलावा जो हमारे नॉन स्टार होते हैं वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। अगर वो की स्किल होगा तो वो शो करेगा, इनकेस अगर नहीं होगा तो भी वो प्रोफाइल हमें शो करेगा। इसके अलावा कीवर्ड डालने का एक और ऑप्शन भी होता है बुलियन, जो कि हम आगे समझेंगे। इसके अलावा अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो सपोज मैं ले रहा हूँ 2 ईयर से लेके 5 ईयर। देन हम लोकेशन की बात करें तो मैं ले रहा हूँ दिल्ली NCR, हम न्यू दिल्ली ले लेते हैं। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन पे जाके दिल्ली NCR भी क्लिक कर लेते हैं। तो दिल्ली NCR में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद है एक्टिव इन। एक्टिव इन हमें बताता है कि जो कैंडिडेट है वो नौकरी पे कितना एक्टिव है। तो हम सपोज देख रहे हैं जो कि अराउंड 7 डेज के अंदर अंदर नौकरी प्रोफाइल पे एक्टिव हो, हम सिंपली यहाँ पे देन सर्च पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारे की स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, उसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम नीचे भी आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रोफाइल जो होंगे रेलेवेंट है जो हमने सर्च लगाई है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया इजी तरीका। सो बुलियन सर्च पे आते हैं। सो बुलियन सर्च में हम 3 एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, एंड और नॉट। इन तीनों एडजेक्टिव्स का यूज हम 2 स्किल्स के बीच में करते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल 1। सो सपोज हमारे पास 2 की स्किल्स है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हम एंड का यूज करते हैं। लाइक जावा डेवलपर में जावा माइक्रो सर्विसेस, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं जावा एंड माइक्रो सर्विसेस। सबसे पहले हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं जावा एंड अब कैपिटल में लिखेंगे एंड माइक्रो सर्विसेस, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारी ये सिंपल सर्च लग गई है जावा एंड माइक्रो सर्विसेज। अगर हम यहाँ पे सर्च लगाते हैं तो आप देख सकते हैं जितने प्रोफाइल है उसमें आपको जावा भी दिखेगा, माइक्रो सर्विसेज भी दिखेगा। अब हम सेकंड अपने एडजेक्टिव की बात करते हैं, और अब सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 की स्किल है जावा माइक्रो सर्विसेज, इसमें से हमारे लिए कोई एक इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हम और का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा एंड माइक्रो सर्विसेज लिखा हुआ है, हम इसे जावा और माइक्रो सर्विसेज कर देंगे। तो अब जो भी प्रोफाइल जिसमें जावा माइक्रो सर्विसेज होगा
जिसमें दोनों होगा वो सबसे ऊपर शो करेगा एंड जिसमें दोनों में से कोई एक होगा वो हमें लास्ट में शो करेगा। फिलहाल आपको जो भी रिज्यूमे दिख रहा होगा इसमें आपको दोनों दिखेगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास दोनों ही की स्किल्स होते हैं। अगर हम इस पेज में सबसे लास्ट में जाएंगे तो हो सकता है हमें सिर्फ एक ही की स्किल मिले। इस सर्च को हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। सपोज करो आपको जावा एंड माइक्रो सर्विसेज दोनों ही इंपॉर्टेंट है एंड हमें चाहिए उसके पास, हमारे पास जो ऑप्शनल है वो है हमारे पास AWS। तो हमने यहाँ पे और के साथ AWS डाल दिया। अगेन हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देख सकते हैं ये रेड हो गया क्योंकि हमने जितने ब्रैकेट क्लोज किए उतने ओपन नहीं किए, तो हम यहाँ पे एक और लगा देंगे। तो हमारी ये सर्च कंप्लीट हो गई। अब आप जो भी रिज्यूमे देखोगे उसमें जावा माइक्रो सर्विसेज एंड AWS होगा। अगर AWS नहीं भी होगा तो भी वो प्रोफाइल हमें शो करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे और का यूज़ किया है। अगर वो प्रोफाइल होगा तो वो हमें सबसे ऊपर शो करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जावा भी दिख रहा है, AWS भी दिख रहा है, माइक्रो सर्विसेज भी दिख रहा है। अगेन हम नीचे आते हैं, इसमें भी आप जावा दिख रहा है, माइक्रो सर्विसेज दिख रहा है, AWS भी दिख रहा है। अब हम अपने थर्ड एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं जो कि है नॉट। नॉट का यूज़ हम उस केस में करते हैं अगर वो की स्किल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर हमें वो नहीं चाहिए। सो एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने जावा लिखा है, माइक्रो सर्विसेज लिखा है और लिखा है AWS। उसके अलावा सपोज अगर आपको कोई ऐसा की स्किल है जो आपको नहीं चाहिए, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं एंगुलर। अगेन हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं एंड अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल सर्च लगाओगे तो यहाँ पर आपको जावा भी दिखेगा, माइक्रो सर्विसेज भी दिखेगा, AWS भी दिखेगा, लेकिन एंगुलर नहीं दिखेगा। इसमें आपको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे एंगुलर की जगह AWS डाल देता हूँ एंड AWS की जगह एंगुलर डाल देता हूँ। अब आपको जो रिज्यूमे दिखेगा उसमें आपको जावा, माइक्रो सर्विसेज, एंगुलर होगा बट AWS नहीं होगा। तो ये देखिए आपको जावा दिख रहा है, एंगुलर दिख रहा है, माइक्रो सर्विसेज दिख रहा है बट AWS नहीं दिखेगा इनमें से किसी भी प्रोफाइल में। आपको जितने प्रोफाइल दिख रहे हैं वहाँ पे आपको एंगुलर दिख रहा है, जावा दिख रहा है, माइक्रो सर्विसेज दिख रहा है। सो बेसिकली बुलियन सर्च हम कॉम्प्लेक्स सर्चेस के लिए यूज़ करते हैं। तो यही थी हमारी बुलियन सर्च। अब हम सेम सर्च को बुलियन तरीके से लगाते हैं। तो सपोज हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड हमने यहाँ पे डाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद हमने लिया यहाँ पे एंड और हमने ले लिया कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये हमने ब्रैकेट कर लिया क्लोज। अब हम अगेन यहाँ पे एंड ले रहे हैं एंड हमने अगेन ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे लिखा टैक्स, उसके साथ हमने यहाँ पे लिया ऑडिट, उसके बाद हम एक लेते हैं नॉट हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं इन्वेंट्री। हमें वो बंदा नहीं चाहिए जो इन्वेंट्री अकाउंटिंग कर रहा हो। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड हो गया, हमने जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने क्लोज नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पे आके एक और ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये परफेक्ट हो गया हमारा। तो हमारी यहाँ पे ये बुलियन सर्च लग गई है। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में हमने एंड डाला है, मतलब उसके प्रोफाइल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होगा। उसके बाद हमने एंड डाला है टैक्स और ऑडिट, तो उसके प्रोफाइल में या तो टैक्स होगा या फिर ऑडिट होगा, दोनों में से कोई एक जरूर होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे और का यूज़ करते तो इन दोनों में से कोई भी की स्किल उसके प्रोफाइल में होता तो वो शो करता। इनकेस अगर नहीं भी होता तो रेजडेक्स आपको ये रेज्यूमे जरूर दिखाता जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हो। लास्ट में हमने नॉट का यूज़ किया है, जैसे मैंने बताया उसके प्रोफाइल में इन्वेंट्री की स्किल्स नहीं होगी। अब यहाँ पे हम सिंपली सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगेन प्रोफाइल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स ऑडिट, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, ये सारे की स्किल्स हमें शो हो रहे हैं। अगर हम नीचे भी देखेंगे तो वो सारे ही की स्किल्स वाले प्रोफाइल्स हमें शो हो रहे हैं। आपको जो भी प्रोफाइल अच्छा लगे सिंपली उस पर क्लिक करो एंड देन वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे एक्सपीरियंस, CTC, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल ID, उसका नोटिस पीरियड, उसके अलावा यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं उसने जो भी डिटेल मेंशन किया वो सारा का सारा आपको शो करेगा एंड सबसे लास्ट में अगर हम जाएं तो हमको रेज्यूमे भी उसका शो होगा। तो ये तो हो गए सिंपल सर्च जो कि मैंने लगाया जिसमें सिर्फ हमने 4 फिल्टर का यूज़ किया। अब हम इसमें बाकी जितने भी फिल्टर है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप इसके नीचे सबसे पहले आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एड IT स्किल्स। तो IT स्किल्स हम उसके इसमें ज्यादातर यूज करते हैं जब हम किसी IT पोजीशन के लिए काम कर रहे हो। हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं पर जनरली ये जो टैब बनाया गया है वो IT स्किल्स के लिए बनाया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फाइनेंस लेके यहाँ पे एक्सपीरियंस भी उसका ऐड कर सकते हो, फिर भी वो प्रोफाइल शो करेगा। जिसने भी अपने फाइनेंस में उतना एक्सपीरियंस शो किया होगा वो सारा आपको प्रोफाइल शो होगा। उसके बाद करते हैं लोकेशन में। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कैंडिडेट्स हु प्रेफर टू रिलोकेट अबव अ लोकेशन। तो जिस कैंडिडेट ने भी अपने प्रेफर्ड लोकेशन में दिल्ली डाला होगा वो हमें शो होगा, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो चेन्नई में हो। अगर उसके प्रेफर्ड लोकेशन में दिल्ली NCR है
तो प्रोफाइल हमें शो होगी। अगर हम इसे अनटिक कर देंगे तो हमें सिर्फ वही प्रोफाइल शो होंगी जो कि दिल्ली एनसीआर में हो। उसके अलावा यहाँ पे नीचे ऑप्शन है एक्सक्लूड कैंडिडेट हु हैव मेंशनड एनीवेयर इन इंडिया और एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया काइंड ऑफ प्रोफाइल्स। सो अगर सपोज अगर किसी कैंडिडेट अपने प्रोफाइल में डाला हुआ है एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, एनीवेयर इन साउथ इंडिया, तो अगर आप इस पे टिक करोगे तो वो प्रोफाइल आपको शो नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे सैलरी रेंज आपको दिख रहा है, तो आप सैलरी का अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो, जैसे उस कैंडिडेट का मिनिमम सैलरी क्या होना चाहिए, मैक्स अपने बजट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक ऑप्शन दिया जिसमें लिखा है इंक्लूड कैंडिडेट्स हु डू नॉट मेंशन देयर करंट सैलरी। तो ऐसे काफी सारे प्रोफाइल्स होते हैं जो अपना सैलरी मेंशन नहीं करते, वो हाइड करके रखते हैं, जीरो करके रखते हैं। तो अगर आप इस पे टिक कर दोगे तो वो सारे आपको प्रोफाइल शो करेंगे जिन्होंने अपनी सैलरी जीरो करके भी रखी होगी। उसके बाद नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे उसके जॉब के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, जैसे वो किस डिपार्टमेंट या किस रोल के लिए काम करता है, वो किस इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री जैसे आईटी सर्विसेज में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस डोमेन में है, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज सर्च कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी टाइप लिखी है, एमएनसी हो, फॉरेन एमएनसी हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, या फिर स्टार्टअप हो, या फिर कॉर्पोरेट हो, आप उसमें जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रोफाइल आपको शो हो। उसके अलावा आपको देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का नेम का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे जिस कंपनी का भी चाहे उस कंपनी का सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको नगेरो का चाहिए, सेपियर का चाहिए, टीसीएस का चाहिए, इन्फोसिस का चाहिए, तो आपको जो भी कंपनी ठीक लगे आप यहाँ पे वो सारी कंपनियों का नेम मेंशन कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे टीसीएस डाल दिया, उसके नीचे आ रहा है एड एक्सक्लूड कंपनी। अगर आप कोई ऐसा कंपनी देखना चाहते हो जहाँ से आप पर्टिकुलरली हायर नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है नोटिस पीरियड। अब यहाँ पे आप कैंडिडेट के नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो कि वो आपके कितने दिन में ज्वाइन कर जाएगा। तो आप अगर आप देखना चाहते हो 0 to 15 days, 1 month, 2 month, 3 month, मोर देन 3 month, या फिर जो ऑलरेडी करेंटली अपना नोटिस सर्व कर रहा हो, उसके पास ऑलरेडी उसने रिजाइन कर दिया हो, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे करेंटली सर्विंग नोटिस पीरियड। उसके नीचे आता है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पे आप कैंडिडेट को एजुकेशन डिटेल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट चाहते हो जिसने बीकॉम कर रखा हो, तो आप सिंपली यहाँ पे स्पेसिफिक यूजी क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे बीकॉम चाहिए तो मैं बीकॉम पे सिंपली क्लिक कर लूंगा। उसके अलावा सेम गोज फॉर दी पीजी क्वालिफिकेशन एज वेल। बाकी ये तो बेसिक डिटेल्स आप समझ ही गए होंगे कि ईयर ऑफ डिग्री कम्प्लीशन, उसने अपनी डिग्री कब कम्प्लीट की है वो आप मेंशन कर सकते हो, फुल टाइम में की है, पार्ट टाइम में की है वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है डाइवर्सिटी एंड एडिशनल डिटेल्स। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप मेल के अकॉर्डिंग फीमेल के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। अगर आप इस पे चेक करोगे तो आपको वो प्रोफाइल शो करेंगे जिसमें कोई डिसेबिलिटी होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, कैंडिडेट के एज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन है जहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन को सर्च कर सकते हो, ऐसे कैंडिडेट को देख सकते हो जिन्होंने रिसेंटली अपना प्रोफाइल मॉडिफाई किया हो। उसके अलावा यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला भी ऑप्शन है, वेरीफाइड मोबाइल नंबर, वेरीफाइड ईमेल आईडी, या फिर जिन्होंने अपना रिज्यूमे अटैच किया है कि नहीं, आप वो भी चेक कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे काफी सारे फिल्टर है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने मनचाहा रिज्यूमे को ढूंढ सकते हो। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग का। अब चलिए कोई और सर्च देखते हैं। हम एक और जेडी पे सर्च लगाते हैं, इस बार हम बुलियन को ऑफ कर देते हैं। तो सपोज करते हैं कि अगर आप एक कंपनी के लिए रिक्रूटर हायर करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे डालेंगे रिक्रूटमेंट। उसके अलावा आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए आईटी रिक्रूटमेंट, तो आप यहाँ पे आईटी रिक्रूटमेंट मेंशन कर देंगे। हम यहाँ पे कर सकते हैं टेक्निकल रिक्रूटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। तो ये हो गया, आप रिक्रूटमेंट पे स्टार है। उसके अलावा हम आईटी रिक्रूटमेंट पर भी स्टार डाल देते हैं, तो जितने भी आईटी रिक्रूटर है वो इसमें शो हो जाएंगे। उसके अलावा हम बाकी चीज़ें डिटेल सेम रख रहे हैं एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे टैलेंट एक्विजिशन या फिर आईटी रिक्रूटर के प्रोफाइल शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप उनकी सारी डिटेल देख सकते हैं। अब अगर आप इस पेज की बात करें तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो अगेन यहाँ पे आपको काफी सारे फिल्टर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके देने का ये मतलब है कि आप पिछली पेज पे ना जाके आप डायरेक्टली यहीं से भी और फिल्टर ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपको कैंडिडेट देख रहे हो जिसने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से किया, तो यहाँ पे आप सिंपली इस पे चेक कर दोगे। उसके अलावा अगर आप कोई और लोकेशन ऐड करना चाहते हो वो आप इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो एक्सपीरियंस चेंज करना वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ये सारी की सारी डिटेल सेम है जो हमने पहले पेज पे देखी थी, बस यहाँ पे आपको इजी ऑप्शन में दी गई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको सेव सर्च या फिर कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है। सेव सर्च में बेसिकली ये मतलब हुआ कि आप इस सर्च को सेव कर सकते हो, सो दैट अगर आपको फ्यूचर में वो सर्च लगानी हो तो आपको दोबारा ना लगानी पड़े, आप इजिली सेव किए हुए सर्च को ही दोबारा यूज कर सको। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शो 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पेज पे 40 रिज्यूमे शो हो रहे हैं। आप चाहते हो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, आप यहाँ पे इसको 160 तक कर सकते हैं।
अब इस पेज पे आपको 160 रेज्यूमे शो करेंगे, सारे के सारे आईटी रिक्रूटमेंट। इसके अलावा अगर हम कस्टमाइज पे क्लिक करें तो हम अपने की स्किल्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी कैंडिडेट को उसके नंबर या फिर ईमेल आईडी से ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसका नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आप सिंपली समझ गए होंगे कि naukri.com को कैसे यूज करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।